खबरें विस्तार से। आज आपको लाखों साल पहले के जटायु यानी राम भक्त गिद्धराज का लाइव दर्शन हम कराएंगे, जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चौके मत, रामायण में वर्णित जटायु का धरती पर पहली बार अवतार हुआ है, वो भी भगवान राम की नगरी अयोध्या से महज 225 किलोमीटर की दूरी पर। जी हां, जटायु के आने की खबर आग की तरह फैल गई। गिद्धराज के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उपड़ना शुरू हुआ। शक्ल और सूरत पे बिल्कुल भगवान राम के जटायु की तरह आपको दिखाते हैं। अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय, कलयुग में पहली बार मिले रामायण के जिंदा जटायु। राम मंदिर को देखने आया जटायु, राम के भक्त योगी से मिलने आया जटायु। त्रेता युग के जटायु की कहानियां रामायण में तो आपने सुनी होगी। रुको रुको रावण, रुको। जिन्होंने माता सीता को दानव रावण के चुंगल से बचाने के लिए अपनी जान दी। लेकिन आज हम आपको असली जटायु दिखा रहे हैं। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। शक्ल और सूरत में बिल्कुल राम के जटायु की तरह, वही पंख, वही पैर और वही चोच। जिसने भी इस जटायु यानी गिद्धराज को देखा दंग रह गया। राम भक्त जटायु ने ऐसे वक्त पर कदम रखा जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में जटायु को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे साक्षात रामायण के जटायु का अवतार बता रहे हैं। कानपुर के बेना झावार इलाके में जब ये विशालकाय पक्षी दिखा तो लोग बहुत चक्के रह गए। लोग इस पक्षी को देखने के लिए उमड़ पड़े। पूरे इलाके में जटायु के अवतार लेने की खबर आग की तरह फैल गई। बताया जा रहा है कि ये दुर्लभ पक्षी हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध है, जो दिखने में हूबहू एकदम जटायु जैसा दिखाई दे रहा है। इस गिद्ध का वजन 8 किलो के करीब है। हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध प्रजाति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। इस विशालकाय गिद्ध की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गिद्ध को कब्जे में ले लिया। फिलहाल इसे वेटनरी हॉस्पिटल में 15 दिनों की क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। जो भी हो, इस विशालकाय गिद्ध ने साक्षात दर्शन देकर ये तो साबित कर ही दिया कि रामायण में जटायु का वर्णन काल्पनिक कथा नहीं है। जो लोग भगवान राम के अवतार पर सवाल उठाते हैं, उन्हें भी जटायु ने भगवान राम के होने का पक्का प्रमाण दे दिया है।